तो हमारा जी यहाँ पर हो गया है लंच तैयार, तो देख सकते हैं जी हर तरह तरह का वैरायटी सबका सब्जी सब है यहाँ पर। तो बोट अभी रुक गई है जी एक विलेज के पास में, तो यहाँ पे शाम का हमारा कॉफी आ गया और साथ में ये क्या है, पकौड़े हैं, पकौड़े प्याज के पकौड़े। तो ये देख सकते हैं बीडूम का व्यू कितना अच्छा है, मजा आ रहा है। ये जो यहाँ आने से पहले हमारे मन में डाउट था कि यहाँ पर जो वेज खाना नहीं मिलेगा, जब भी किसी तरह का हाउस बोट कोई भी बुक करे और अच्छे से उसमें जान ले कि क्या क्या चीज आपको प्रॉमिस किया गया है। फिलहाल जो है जी यहाँ पर तबीयत से बैठ रहे हैं और अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं नजारे का, क्या मजा आ रहा है, एकदम ठंडी ठंडी आवाज शरीर को लग रही है और आसपास का जो नजारा देख रहे हैं, पानी पानी और ये बोट, साथ में हमारा बेटा, साथ में हमारी वाइफ, क्या है। लेकिन क्रियास भी अपना एक ड्यूटी लगा लिया है कि कुछ देर हम लोग बैठते हैं फिर उसके बाद क्रियास को लेकर के पकड़ना था, अभी जैसे दिया पकड़ी हुई है कुछ देर बाद हम पकड़ेंगे, ऐसा ही होता। यहाँ पर जो है हाउस बोट को पार्क कर दिया गया है और यहाँ बारी हो गई है हमारे लंच की, तो लंच जो है कुछ देर में तैयार किया जाएगा। और लंच के लिए है कि जी आप जो भी डिमांड करोगे यह आपके लिए स्पेशलाइज यहाँ पर कुक दिया गया है, तो आपके अनुसार जो है सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो जो कि बहुत ही बढ़िया बात है जी, मजा आने वाला है। तो हमारा जी यहाँ पर हो गया है लंच तैयार, तो देख सकते हैं जी हर तरह तरह का वैरायटी सबका सब्जी सब है यहाँ पर। एक बीन्स का है, पापड़ है और यहाँ पर पता नहीं क्या है ये, और उसके बाद यहाँ सलाद है और ये क्या है पता नहीं, ये सांभर है, ये कड़ी है, कड़ी है, ओके कर्ड भी अलग से मिल जाएगा, अच्छा मिल गया कर्ड, चलो बढ़िया है। तो यहाँ देख सकते हैं पतिदेव क्या कर रहे हैं, क्रियांश क्या कर रहे हैं, यहाँ सबको ड्राइविंग सिखा रहे हैं, तो पापा बोट को जो है ऐसे ऐसे चला रहा है। अच्छा वाओ, फेस नहीं ढकते बेटा, इधर बताइए अच्छा लग रहा है आपको, पापा पास जाओगे। तो बोट अभी रुक गई है जी एक विलेज के पास में और यहाँ पर जो है कुछ आप स्नैक्स सब ले सकते हैं, मैं तो नारियल पानी जा करके लूंगा, कोल्ड ड्रिंक सब देखते हैं लेना होगा तो लेंगे, वरना बस नारियल पानी तो जरूर मैंने पीने का। स्ट्रॉ दे देना भैया, लगा देना जी, हाँ ले लो। खा लेना पहले, ये पी लो, पी लेते हैं मलाई। यहाँ पर मिल रहा है जी फिश, सभी लोग यहाँ पर मछली ले रहे हैं, आप यहाँ पर मछली लेकर के उनको दे सकते हैं। और सुना है कि यहाँ का फिश करी जो है बहुत ज्यादा फेमस है, और फिश क्या देख रहे हैं यहाँ पर चिकन सब भी है, जो भी आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए ऑर्डर पर वह सब कुछ यहाँ पर मिल सकता है। और यहाँ के जो कुक होते हैं स्पेशली सुना है फिश बहुत अच्छा बनाते हैं, हम तो नहीं खाते हैं, जिया खाती है, लेकिन अभी सावन का महीना चल रहा है तो इस समय खा नहीं सकती, तो इसलिए इस चीज को अवॉइड किया जा रहा है। कोई बात नहीं, फिर कभी होगा आना तो उस समय ट्राई कर लिया जाएगा। बाकी आगे देखिए, आगे फार्म है, एकदम अच्छा खासा फार्म है, यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा मस्त लग रहा है। यहाँ पर मन कर रहा है कि यहीं पर रुका जाए, और हाउस बोट का जो टाइमिंग है थोड़ा सा मुझे लगता है कि और थोड़ा ज़्यादा रहे ना और ज़्यादा मज़ा आएगा, जैसे कि 1 बजे स्टार्ट होता है और 1 बजे स्टार्ट होकर के 5:15 बजे तक पार्किंग में लग जाता है, और बीच में 1 घंटे का लंच आवर भी होता है, तो कुल मिलाकर के आप 3 से 4 घंटे जो है बस बोट राइड पर रहते हैं। और यह बोट राइड, मतलब बोट राइड के बारे में जैसे मन पे आता है ना कई बार कि बस बोट पर ही हम लोग घूमते रहेंगे रात भर, ये सब ऐसा नहीं होता है, 4 घंटे का ही राइड है लेकिन वर्थ है, अच्छा है जी, सभी को लाइफ में एक बार यह एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। 1 hour later अभी 5 बजने में मुश्किल से जी 15 मिनट, और बाहर देख सकते हैं जी नज़ारा कुछ ऐसा है, और उधर जो पास में देखते हैं ना बोट के उस पर, वहाँ पर अच्छा खासा मार्केट लगा हुआ है, तो आप
जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, जैसे कि अभी एक मार्केट पर रुका था तो कुछ कुछ दूरी पर जो है अच्छा खासा मार्केट है, और यहाँ से आप जो है कुछ भी स्नैक्स और ये सब जो ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे बोट हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप हाउस बोट के बजाय वो बस एंजॉय करें तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं, और उसका फेयर भी कम होता है, 2-3 घंटे का राइड होता है, आप वो भी कर सकते हैं। तो नाव को जो है यहाँ पर अब पार्क कर दिया गया है। जी हाँ, इनका भी अपना एक पार्किंग एरिया होता है, तो यहाँ पर पार्क कर दिया गया है, और यहाँ पर जो है लगभग अब अच्छा खासा देर रुकेगा। सुबह 8 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो अब अच्छा खासा देर जो है यहीं पर समय बिताना है। उसी टीवी है, म्यूजिक है, सब कुछ है यहाँ पर, एंटरटेनमेंट के लिए दिक्कत नहीं है, और यह पूरा प्रीमियम एसी है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आगे जहाँ पर हम लोग हैं तो वहाँ पर भी एसी मिल रहा है। यहाँ जो डाइनिंग एरिया है, सबसे ज्यादा एंजॉय करने का एरिया जो है यही एरिया होता है, और यहाँ पर इन्होंने एसी दे दिया है जो कि बाकी बोट में नहीं मिल रहा है। बाकी बोट में 9 से 5 ही मिलेगा, जैसा कि कुछ देर पहले बताया। और जी आ रही है अपना क्रियान सुंदर, सोया हुआ है, तो देख के आ रहा है, बार बार जाते हैं देखने के लिए, सोया हुआ है कि जगा हुआ है। तो अच्छा है, क्रियांश भी अच्छे से थोड़ा सो जाएगा यहाँ पर, और क्रियांश के घूमने के लिए अच्छा जगह है यहाँ पर, अकेले घूमते हैं। कहीं भी होटल में जाते हैं ना, ये चीज सोचते हैं कि क्रियांश के लिए जगह अच्छा से रहे, क्योंकि क्रियांश को टहलना होता है, ज्यादा देर गोद में रखेंगे तो इरिटेट हो जाता है वो। तो यहाँ पे क्रियांश की इली आ गई है, क्रियांश जगह रहता है तो बहुत मजा आता है उसको, बिल्कुल एकदम कहता है इली इली इली, उसको कभी बोल दीजिए ना क्रियांश इली इली तो खुश हो जाता है। तो यहाँ पे शाम का हमारा कॉफी आ गया, और साथ में ये क्या है, पकौड़े हैं, पकौड़े, प्याज के पकौड़े, गरम गरम। अच्छा, चीनी अलग से डालना पड़ेगा, चीनी इसमें डाला हुआ है नहीं। तो यहाँ पे हमारा बेटा भी उठ चुका है, क्या कर रहे हो भैया, बाल खींच रहे हो मम्मा को, नहीं कंप्लीट हुई है, नहीं कंप्लीट नहीं हुई है, तो पापा को देख रहे हैं, पापा क्या खा ले हैं, पापा क्या खा ले हो, क्रियांश। अब बाहर जो है बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, तो काफी अच्छा लग रहा है जी, मौसम को लग रहा है, और नजारे को लगता है और भी थोड़ा बेहतरीन बना दिया है इंद्र देवता ने। ओहो भाई साहब क्या मस्त लग रहा है, ये देखिए बारिश हो रही है, तो ये देख सकते हैं बी डूम का व्यू कितना अच्छा है, वाओ क्रियांश ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है, मजा आ रहा है क्रियांश, ये वाओ। Two hours later. तो यहाँ क्रियांश कर रहा है बदमाशी, और अभी बज रहे हैं 8:40, तो हमारा डिनर का भी टाइम हो गया है, तो पतिदेव खाना खा रहे हैं और हम क्रियांश को लेके घूम रहे हैं, क्या जय, तो चलते हैं हो। तो यहाँ पे पतिदेव खाना खा रहे हैं अपना, और खाने में क्या है, दाल, भिंडी की भुजिया, पनीर की सब्जी, आलू का भुजिया, और इसमें क्या है, इसमें पता नहीं, तुम खोले भी नहीं, अरे मिस हो गया हमसे, ये रोटी चपाती है, तुम खा लेना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दाल है, दाल तो वहाँ वही वाला है जो उसमें लिया, सलाद है, अच्छा वाला, रोटी चावल दोनों मिला है, ठीक है। तो आप खाना खाइए और इधर बेटा को देख लीजिए, गिर गया तो उठाएगा इसको। One hour later. तो अभी बज रहे हैं जी रात के 9:30, हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है, अच्छे से डिनर हो गया, और जो खाना था वो हमें फुल्ली वेज मिला। एक बात अच्छी थी जो यहाँ आने से पहले हमारे मन में डाउट था कि यहाँ पर जो वेज खाना नहीं मिलेगा, और वेज खाना मिलेगा भी तो उसका उतना टेस्ट नहीं रहेगा, जो कि मुझे वैसा इशू नहीं आया, हो सकता है सभी का अपना अलग अलग हो नजरिया, लेकिन मुझे वेज खाने में यहाँ कोई भी इशू नहीं आया। मैं जब भी गया फुल्ली वेज रेस्टोरेंट में गया, और फुल्ली वेज रेस्टोरेंट में आंख मूंद करके आपको जाना है ना, एक है होटल सरवना, तो होटल सरवना का ब्रांच आपने दिल्ली में भी देखा होगा, सीपी में भी है, तो उसमें जाइए, फुली वेजिटेरियन आपको खाना आराम से मिल जाता है। तो पूरे केरला ट्रिप में अभी तक जब भी गया मैं होटल सरवना, जहाँ भी मिला वहाँ पर जाकर के मैंने खाना खाया, और फुली वेजिटेरियन हमें खाना मिल गया। और यहाँ जो हाउस बोट है यहाँ भी हमें फुली वेज मिल गया था, पहले ही पूछ लिया था उन्होंने कि क्या वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, तो हमने कहा था जी हम वेजिटेरियन और फुली वेजिटेरियन हमें खाना चाहिए, तो उन्होंने हमारा अरेंज कर दिया, जो कि काफी अच्छी बात रही। फिलहाल देख सकते हैं जी हाउस बोट लगी हुई है पिछले लगभग 3.5 घंटे से, और फिर जो है यह सुबह 8 बजे खुलेगी हाउस बोट, जो कि मैंने सुना था कि कई लोगों का सुबह 6 बजे से खुलता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि 8 बजे से ही खोलेंगे। हो सकता है जी मुश्किल से हम लोग यही 2 पैसेंजर हैं, तो इसीलिए हो सकता है सोचते होंगे हम भी आराम करें, क्या 1-2 पैसेंजर के बारे में सोचना, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं हो, और शायद हम इंसिस्ट करते तो वह जो है सुबह के 6 बजे भी हम लोगों को ट्रिप करवा देते, लेकिन इंसिस्ट हम भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चा छोटा है, हमें भी पता नहीं कि हम लोग कब सो करके उठेंगे, रात भी कई बार जग जाता है,
तो इस वजह से जो है हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर क्रियांश ने नहीं सोया और फिर हमें सुबह में निकलना पड़ जाए 6 बजे इस तरह से करके, तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए हमने भी इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि देखा है कुछ कुछ चीज जो है यहाँ से कोशिश किया जाता है नेग्लेक्ट कर दिया जाए, लेकिन जैसे आप उनसे मांग लेंगे कि मुझे चाय चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए, मुझे सलाद चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको बोलना पड़ेगा, अपने साइड से कई बार देखता हूँ इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। तो एक ड्रॉबैक मुझे बस ये लगा यहाँ पर, मिल तो सब कुछ जाता है, बस आपको बस मांगना पड़ता है। यहाँ पर जब भी किसी तरह का हाउस बोट कोई भी बुक करे, कुछ भी बुक करे, पहले ही उसका क्राइटेरिया पढ़ ले और अच्छे से उसमें जान ले कि क्या क्या चीज आपको प्रॉमिस किया गया है। और जो आपको नंबर मिलेगा हाउस बोट वालों का, आप उनसे भी बात कर लीजिएगा और पहले ही बात कर लीजिएगा कि ये फैसिलिटी मुझे चाहिए, प्योरली वेज चाहिए, हमारा प्रेफरेंस ये है, हमारा ये है, ताकि बाद में वो लोग जो है डिनाई नहीं कर पाए। तो यह था जी, तो बाकी आप लोगों से सुबह मिलते हैं, फिर बात करते हैं। तो एक बार आ गया हूँ जी मैं हाउस बोट के बाहर, जो फ्रंट डेक होता है मैं वहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ से थोड़ा सा नजारे का आनंद ले रहा हूँ। देख रहा हूँ कि यहाँ पर और भी हाउस बोट लगे हुए हैं, देख रहे हैं पीछे जो लाइट सब जल रही है वो सारा हाउस बोट है। तो अच्छा खासा हाउस बोट यहाँ पर लगा हुआ है और सभी जो है सुबह खुलेगा, इंतजार करेंगे। वैसे हम कोशिश करेंगे कि अगर सुबह उठ जाए, क्रियांश ने ज्यादा परेशान नहीं किया, तो हम जो है सुबह का माहौल भी एक बार यहाँ देखना चाहेंगे।